विराजमान हमारे बगड़ क्षेत्र पीपली क्षेत्र का अभिमान जिला पंचायत सदस्य श्रीमती दीपिका भट्ट जी, हमारे क्षेत्र के एक विशिष्ट पुरोहित और कथावाचक पंडित गोपाल दत्त भट्ट जी, हमारे इस विद्या के मंदिर स्टेपिंग पब्लिक स्कूल स्टेपिंग स्टोन पब्लिक स्कूल के सभी प्राध्यापक गण और पीपली क्षेत्र के सभी संभ्रांत निवासी, सबसे पहले तो मैं इस क्षेत्र के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि हमारा ये बगड़ क्षेत्र जो मैंने अपने 8-9 सालों की सेवा में देखा, इस क्षेत्र में जो स्नेह का भाव है वो और किसी अन्य क्षेत्र में देखने को नहीं मिला। जैसा कि आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम इकट्ठा हुए हैं, हमारे इस क्षेत्र के भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भी सहयोग दिया है और उसके बाद भी भारतीय सेना में योद्धा के रूप में, सैनिक के रूप में बहुत सारे घरों से बच्चे बूढ़े सब सेवाएं देते आते रहे हैं। आजादी तो हमें मिल गई, लेकिन उस आजादी का जो प्रतिफल हमें मिलना चाहिए था, जिस अनुसार उसका लाभ लेना चाहिए था हमें, हम वो नहीं ले पाए। सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है कि अगर हमें आजादी मिली है तो हमें स्वास्थ्य पूर्वक रहने की आजादी हो, हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, हमें सुख हो, समृद्धि हो। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण विषय हुआ है, चाहे वो पहाड़ हो या मैदान के क्षेत्र हो, उन सब जगहों पे हमने पर्यावरण को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई है। उसकी वजह से वातावरण हो, हमारा प्रकृति हो, इतना प्रदूषित हो गया है जिसकी वजह से कोरोना जैसी महामारियां इस भयावह रूप में फैली हैं। अगर प्राकृतिक रूप से हमारा वातावरण, हमारा शरीर उस रूप में शक्तिशाली होता जैसा कि भारत निर्माण के समय जो संकल्प लिया गया था, उस संकल्प के अनुसार अगर भारत का विकास हुआ होता तो हम शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक रूप से इतने मजबूत होते कि कोरोना जैसी महामारियां इस रूप में, विकराल रूप में नहीं फैल पाती। इसलिए हमारी जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, एक महान अवसर है, इस अवसर पर हम संकल्प लें कि हम उन आजादी के योद्धाओं की तरह अब प्रकृति के योद्धा बनेंगे, नेचर वॉरियर बनेंगे, हम अपनी प्रकृति की रक्षा करेंगे। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है अपनी प्रकृति की रक्षा करना। पहाड़ भी आज से 10 साल पहले आप लोग अपने गांव घर खलिहान खेत को देखते होंगे, तब की स्थिति हरी भरी जो थी और अब की स्थिति है, सब लोग कहते हैं पहाड़ पे बहुत स्वच्छ वातावरण है। उस वातावरण को बनाए रखना, आगे आपकी पीढ़ियां भी इस तरह कह पाए कि पहाड़ पे स्वच्छ वातावरण होता है, इसकी जिम्मेदारी हम सभी पहाड़ वासियों की भी है। इसलिए हमको आज एक प्रकृति योद्धा बनने की आवश्यकता है। हम किसी भी रूप में प्रकृति को क्षति ना पहुंचाएं। ये क्षति कई रूपों में हो सकती है। हम कूड़ा कचरा दो प्रकार के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायो, प्लास्टिक के कचरे हैं, उनको भी पहाड़ पे कहीं भी फेंक देते हैं। ये सारे इकट्ठा होते जा रहे हैं, ये कुछ दिनों बाद ये सारे हमारे जो नेचुरल फ्लोरा है, जो प्राकृतिक वन उगाते हैं, वो आज से 10 सालों बाद, 20 सालों बाद हमें नजर नहीं आएंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी जिम्मेदारी है वो है हमें प्रकृति को बचाने की।
तो मेरा आप सब लोगों से यही अनुरोध है और आगे भी इस कार्य को हम सब बढ़ाते रहेंगे कि हम एक नेचर वॉरियर बने, प्रकृति के योद्धा बने, अपने वीर सपूतों को जिन्होंने अपने बलिदान से, पंडित जी ने बताया चाहे वो भगत सिंह जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, उन सबने अपने लहू से सींचा है अपनी धरती को, तब हम आजाद हुए हैं। उस आजादी को सही मायनों में परिलक्षित हमें करना है, हमें उस अखंड भारत के सपने को पूरा करना है जिस सपने को सुभाष चंद्र बोस जी ने देखा था। उस अखंड भारत को बनाने के लिए हमें सशक्त होना पड़ेगा, प्राकृतिक रूप से, स्वास्थ्य के रूप से, आर्थिक रूप से, इन सभी रूपों में हमें समृद्ध होना पड़ेगा। तो मेरा एक भारतीय के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व, जाति धर्म से परे हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, अनेकता में एकता का संदेश दिए हुए ये अद्वितीय पर्व की स्वतंत्रता दिवस के 74वें वर्षगांठ की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम अपने राष्ट्रीय ध्वज की शरण में खड़े होते हैं तो ऐसा कोई भारतीय नहीं होगा जिसके मन में देश प्रेम की भावना जागृत न हो। तो इस भावना को केवल हम राष्ट्रीय पर्वों तक ही सीमित न रखें, अपितु हर दिन, वर्ष के हर दिन इस भावना को यूं ही जीवंत रखें और अपने प्रयास करें इस देश की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए सदैव। और जैसे डॉक्टर भागवत जी ने कहा, वो वचन दिल को छू गए और उन वचनों की सार्थकता तब है जब हम सुने, समझे, बोले और उस पर अमल करें, वरना खाली सुना, ताली बजाई और चले गए तो कुछ महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। तो इस चीज को हमें वर्ष भर यूं ही जीवंत रखें और आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारी भूमिका किसी भी योद्धा से कम नहीं है, क्योंकि अपना अपना मतलब स्वास्थ्य की रक्षा तो की जिम्मेदारी हमेशा सती पर आप प्राणों की रक्षा की जिम्मेदारी और एक योद्धा की भांति हमको पूरी सावधानी सतर्कता के साथ आगे बढ़ना है, हार नहीं माननी है, जोश के साथ आगे बढ़ना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है, निर्वाह करना है। और साथ ही मैं नमन करना चाहती हूँ उन सभी शहीदों को, गांधी जी, नेताजी, कुछ के नामों से हम परिचित हैं पर बहुत सारे अनसंग हीरो हैं जिनका कभी इतिहास के पन्नों में कहीं जिक्र नहीं है।